माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। इट मींस दैट आज हम पढ़ेंगे टोटल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ये होता क्या है, एंड इससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, एंड इसमें जितने भी हमारे थ्योरम्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो कुछ बेसिक होने वाला है, मतलब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाएंगे। कल का जो होगा हम nth टर्म के बारे में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हम nth टर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा लेबनिट्स थ्योरम आएगा, रोलेस थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम इसमें ऑलरेडी पूछा गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। टेलर्स थ्योरम भी हो गया, मैकलॉरिन थ्योरम भी हो गया, इसमें भी आया हुआ वो मैंने पहले ही कंफर्म करा दिया, तो वो हम लोग नहीं पढ़ाने वाले हैं, बिकॉज हम लोग जब पहले ही पढ़ा चुके हैं तो क्यों बार बार पढ़ाएं। मतलब पूरा का पूरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक होगा ये कुछ आज बेसिक का जो लेक्चर है ये होगा। इसके बाद हम nth टर्म का के बारे में बात करेंगे, फिर हम डायरेक्ट बात करेंगे लेबनिट्स थ्योरम। लेबनिट्स थ्योरम शायद 2 या 3 लेक्चर बन जाए उस पर, बिकॉज वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आज हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में, तो हेडिंग लगा लेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होता क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कुछ और नहीं है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बच्चे सुन के डर जाते हैं कि एग्जैक्टली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो क्या रहा है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, लेट वी हैव अ फंक्शन, यहां पर देखिएगा, लेट वी हैव अ फंक्शन, हमने कोई फंक्शन मान लिया y, सपोज दैट वी हैव, कोई भी हमारा एक फंक्शन है y है। अगर मैं इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करूं, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव मतलब dy by dx, d2y by dx square, dq by y upon dx cube, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, इस प्रकार से चलता जाता है, तो उसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसका अगर y की हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ y, अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन एसे डी एन वाई अपान डी एक्स क्यू, तो इन सभी को हम उसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक। और जो वाई फंक्शन है ये ऑफ कोई एक्स का फंक्शन है, ऐसा बोला गया कि जो वाई है वो किसी एक्स का फंक्शन है, तब के लिए डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे हमारा डी एन वाई अपान डी एक्स एन जो होगा, दैट इज ए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, इसे हम बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। एक बात तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बिकॉज आप क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अगर आपको कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम वाई वन भी बोलते हैं, इसी को हम वाई डैश भी बोलते हैं, इसी को ही हम देखो डी वाई बाई डी एक्स है, y1 बोला जाए फिर भी इसी को बोलेंगे, y डैश बोला जाए फिर भी इसी को बोलेंगे। अगर ये फंक्शन f के रूप में लिखा गया होता, या नहीं भी लिखा गया कोई बात नहीं, अगर ये f के रूप में लिखा गया होता तो f डैश ऑफ x लिखा जाता, ये y के रूप में है तो y डैश के रूप में लिखा गया है, ठीक है। इसी को हम डेरिवेटिव ऑफ y भी बोलते हैं, dy बोला जाए डेरिवेटिव ऑफ y भी इसी को बोलते हैं। अगर हमारा इस प्रकार मिल जाए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम वाई टू भी बोल सकते हैं, इसको वाई डबल डैश भी बोल सकते हैं, इसको डी टू वाई भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब हो जाए तो इसे हम वाई थ्री भी बोल सकते हैं, इसे वाई ट्रिपल डैश भी बोल सकते हैं, इसी को हम डी क्यूब वाई भी बोल सकते हैं। तो अगर ये कहीं पर मिल रहा होगा और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि एग्जैक्टली आया कहाँ से, तो वो आप लोग, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। हालांकि आप सभी को पता है, ये हमें मालूम है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि हम डायरेक्ट फंक्शन यूज करेंगे वहां पर, और डायरेक्ट हम अगर लिख देंगे, बिकॉज इतना बड़ा कौन लिखेगा, मैं डायरेक्ट डी क्यू वाई लिख दिया, वाई थ्री लिख दिया, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, टेक स्क्रीनशॉट, सुनो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट, सुनो, लेट वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या रहा है बहुत ध्यान से समझिएगा, और थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस, आपको हर एक क्वेश्चन सिंपल लगेगा। अभी तक जितना बताया गया एक भी क्वेश्चन हार्ड लगा, ऐसे ये भी नहीं हार्ड है, सिंपल है। देखो पहले ध्यान से, इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट, आपको दिया जा रहा है कि y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, ऐसा आपको दिया जा रहा है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बार डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एम स्क्वायर वाई होगा, दैट्स इक्वल टू जीरो होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे आइए देख लेते हैं।
मतलब y की वैल्यू दी गई है आपको, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, ये तो आपको फिक्स हो गया, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक। तो ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है कि इतना बराबर इतना जीरो होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे, आइए देख लेते हैं, सोल्यूशन देखेंगे। प्रूफ, प्रूफ दिया क्या जा रहा है, आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये चीज तो आपको गिवन है। अब बारी बारी से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद ही तो हम सेकंड डेरिवेटिव कर पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, ठीक, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएट करने पर जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy by dx, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहां पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x है, ठीक है। dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, cos x, तो cos m sin इनवर्स x हो जाएगा, sin x का तो cos x हो गया। अब इसका अगर करेंगे तो m sin इनवर्स x का, m तो बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपान में स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, बहुत अच्छे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करा दो, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दैट्स इक्वल टू यम कॉस यम साइन इनवर्स एक्स होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तभी तो सॉल्व होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट में है तो बाहर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये डीवाई बाई डी एक्स है तो डिवाइड बी आई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स ये क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, डेरिवेटिव नहीं करे, स्क्वायर कर रहे हैं, यम स्क्वायर कास स्क्वायर यम साइन इनवर्स एक्स। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप सभी जानते हो, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, या फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स योर एम स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर एम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स होगा, सिंस क्यों, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सभी लोग जानते हो, इसलिए हुआ। और साइन एम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वाई क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स योर यम स्क्वायर वन माइनस सॉरी इसकी जगह पर रखेंगे क्या, साइन m साइन इनवर्स x, दैट योर y, तो साइन m साइन इनवर्स x y है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो साइन स्क्वायर मिलेगा, इट मीन्स दैट ये y स्क्वायर की वैल्यू है, तो वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ें आपको मिल गई। लेकिन हमको प्रूव इतना करना है, सेकेंड डेरिवेटिव तो हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट। देखो जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ मेथड में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन का लगाने का तरीका सेम होता है, बट क्या है कि वो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करके दे सकता है, यहाँ पर कुछ दूसरा दे दिया जाए बट लगाने का तरीका सेम होता है, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक। अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो एक तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये बन रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लगेगा, चलिए लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 dy by dx इंटू dy by dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर, बात समझ रहे हो भाई, dy by dx का होल स्क्वायर है 2dy by dx, अब dy by dx का करेंगे d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन dy by dx का होल स्क्वायर इंटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 2x, तो माइनस आगे आ जाएगा, इंटू में 2x इज इक्वल टू, भाई 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस 2x आ मिलेगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो एम स्क्वायर कांस्टेंट ही रह जाएगा, 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, एग्जैक्टली मिला क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2 आगे कर लो ना, इंटू में dy by dx इंटू में d2y by dx square माइनस में
2x dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस 2m स्क्वायर y मिला है। उसको इस साइड मंगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 अगर मैं इसको इस साइड कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2m स्क्वायर y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर लेते हैं, एक लाइन कौन बढ़ाएगा, ठीक है, तार बलच रहा है जी। आगे क्या होगा, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो dy by dx इसमें भी मिल रहा है, dy by dx इसमें भी मिल रहा है, बट आपको प्रूफ क्या करना है उसी हिसाब से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक बात और आप लोग ध्यान देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y हो गया, इंटू जब y का करेंगे तो यहाँ पर dy by dx भी मिल जाएगा, तो वो हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो वो आप लोग ऐड कर लेंगे, इंटू में dy by dx इज इक्वल टू में 0। dy by dx dy by dx dy by dx बाहर निकाल लो, 2dy by dx dy by dx बाहर निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2dy by dx बाहर निकल गया है तो क्या हो जाएगा, x dy by dx प्लस का dy by dx 2 बाहर निकल गया तो m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ें इधर अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो 0 हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था कि नहीं बताओ, सिंपल था, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं था, प्रूव्ड हो गया सिंपल। ये क्या बना दिए, सिंपल है, चलो नोट कर लो फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अंतर नहीं है, आपको एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, मास्टरमाइंड बन जाओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, अदरवाइज मैथ नहीं समझ में आएगी ना तो फिजिक्स आएगा समझ में, फिजिक्स के कई ऐसे टॉपिक होंगे, आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में मास्टरमाइंड बनना होगा। नहीं हो मास्टरमाइंड, जाओ ट्वेल्थ की बुक उठाओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एकदम रट जाओ, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो छूट जाए आपसे, तब जाकर आओ आप क्लास देखो बीएससी की, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, मैं इधर कितना भी समझाता रहूंगा आपको समझ नहीं आएगा। सबसे मेन पॉइंट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अगर ये नहीं आया तो समझो कुछ नहीं आया। तो अगर जिसको नहीं आता है अभी भी टाइम है, आप सुधार कर लो, घर पे बैठ के आराम से 2 घंटे 4 घंटे पर डे रिविजन कर डालो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, 4-6 दिन रिविजन कर जाओगे खत्म हो जाएगा, एंड फिर आपको आगे की चढ़ाई चढ़नी है हमारे साथ। तो फिर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इधर देखो y बराबर इतना दिया गया है, आपको प्रूव करना है कि ये बराबर इतना होता है, एंड n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसका, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के टी इंटू में कॉस पी टी प्लस सी, ऐसे ही आते हैं सक्सेस डिफरेंशिएशन में, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है हमें प्रूफ कर, डेट पूछा गया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे अगर हम dy by dx इज इक्वल टू ए हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये देखो दो फंक्शन बन रहा है ना, फर्स्ट फंक्शन एक पावर माइनस के टी, सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस आगे आ जाएगा साइन पी टी प्लस सी इंटू में इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर टी का टर्म है, ए से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा माइनस का ए ई की पावर माइनस के टी इंटू में साइन पी टी प्लस सी इंटू में पी माइनस का के ए इंटू में कॉस पी टी प्लस सी इंटू में एक पावर माइनस के टी हो सकता है। अब ये किसकी वैल्यू बताओ, ए एक पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी नहीं दिया गया, चलो रहने दो इसको वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू देखो ए ए ई की पावर माइनस के टी, ये देखो कॉस पी टी प्लस सी यही वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी वाई की वैल्यू, तो माइनस के वाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का ए ई की पावर माइनस के टी इंटू में साइन पी ए आगे आ जाएगा ना पी साइन पी टी प्लस सी माइनस का के वाई, के वाई को उस साइड भेज दो, ये निकला हमारा डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इस साइड भेजूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस का के वाई हो जाएगा इज इक्वल टू बचेगा माइनस का पी ए ई की पावर माइनस के टी इंटू में साइन पी टी प्लस सी, बोलो होगा कि नहीं होगा, बट हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट अगेन
डिफरेंशिएटिंग वी गेट, फिर से डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिल जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का के हमारा रही जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो pa हमारा टर्म बाहर हो जाएगा, pa टर्म बाहर हो जाएगा, बचे क्या यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस kt इंटू में सेकंड का डिफरेंशिएशन cos pt प्लस c इंटू में p हो जाएगा, pt प्लस c का p हो जाएगा, प्लस का सेकंड फंक्शन sin pt प्लस c इंटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस kt का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस kt ही रह जाएगा, इंटू में माइनस kt का करेंगे तो आगे माइनस k आ जाएगा, ठीक है भाई, माइनस kt का तो माइनस k ही होगा ना, तो माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा, यहां पर k आ जाएगा, दिस इज योर, ठीक। आओ और सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या बचा देखो, कुछ लग रहा है कब आ जाएगा ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पी ए से मल्टीप्लीकेशन करा दो क्या हो जाएगा, पी इंटू पी माइनस का पी स्क्वायर ए ई की पावर माइनस के टी इंटू में कॉस पी टी प्लस सी माइनस का, इसमें मल्टीप्लीकेशन कराओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर के पी प्लस का के पी ए ई की पावर माइनस के टी इंटू में साइन पी टी प्लस सी, देखो वैल्यू कुछ है क्या इसकी, यह है हमारा क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ए ई की पावर माइनस के टी कास पी टी प्लस सी, ये तो वैल्यू यही निकली, दिस इज योर वाई माइनस का पी स्क्वायर वाई प्लस का ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, देखो यहाँ पर देखो पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी माइनस का के वाई, ठीक। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू की बात करूँ, मतलब ये जो निकल रहा है दैट इज ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस पी ए, माइनस पी ए, अगर मैं माइनस अभी उसमें लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पी ए साइन ई के पावर साइन सॉरी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई, माइनस के उधर भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई, हो सकता है बोलो हाँ या ना, सब लोग बोलो हाँ या ना, और यहाँ पर आगे के था ही तो हम यहाँ पर के लगाए रखेंगे, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आइए ये क्या मिल जाए हमें, और ये आया कहाँ से मालूम है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बना लो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, और इसे बना लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज आएंगे यार ये एग्जैक्टली हो आ कहाँ से रहा है सर, तो लिखना ज़रूरी हो जाता है ना, तो इसको आगे हम प्रूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस पी स्क्वायर वाई एज इट इज, माइनस के का गुणा करोगे तो यहाँ पर माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, माइनस गुणा करोगे तो माइनस के स्क्वायर वाई होगा, यहाँ पर आप आगे क्या मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का के डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ला दो प्लस का के डी वाई बाई डी एक्स प्लस का, इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो पी स्क्वायर वाई, उसको भी इधर लाएंगे तो के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, फाइनली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू के डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई कॉमन कर लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह हम एन स्क्वायर रख सकते हैं, मिला गया हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू के डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एन स्क्वायर वाई दैट्स योर जीरो, दिस इज योर प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, कुछ एक्स्ट्रा था नहीं था, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट करिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट्स ऑन, टेक ए स्क्रीनशॉट्स ऑन। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, बिकॉज जब आपको कहा जाए कि ये आप प्रूव करके दिखाओ एग्जैक्टली, जब आपको ना दिखे कि ये ऐसे प्रूव नहीं हो सकता तो कुछ इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कर दिया जाता है, दोनों पक्षों में जोड़ दो, दोनों पक्षों में घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, कुछ अंतर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यही हम लोग यूज करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना तेज काम करता है।
और ऐसा नहीं है कि आप कोई डायरेक्ट ट्रिक याद कर लोगे कि ऐसा जोड़ा जाएगा, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को प्रूव करोगे जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे आपको प्रूव करना होगा, आइए हम दिखाते हैं, सोल्यूशन देखेंगे इसका प्रूफ। देखो एग्जैक्टली एक बार जब हम कहा करें कि आपको करना है, मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व तो करेंगे ही फटाफट से, अब इतना तो है नहीं कि मैं 15 मिनट बैठ के वेट करूंगा कि बच्चे सॉल्व करें, तो ऐसा तो होगा नहीं। आप वीडियो को पुश कर लिया करो एंड एक बार खुद से सॉल्व कर लिया करो, जहां पर एग्जैक्टली ना समझ में आए वहां पर वीडियो चलाकर देखो, फिर मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। जहां पर कमियां ढूंढो पहले कि मेरे अंदर कहां कमी है, मैं नहीं लगा पा रहा हूं, तब लगाओगे ना तब एग्जैक्टली मजा आता है पढ़ने में, तब इंटरेस्ट आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अदरवाइज मजा नहीं आता। पेन पेपर हमेशा लेकर बैठो, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, अभी भी अगर नहीं बैठे हो तो वीडियो को बंद कर दो, ऐसा तो है नहीं लाइव चल रहा है तो आगे चला जाए, वीडियो को बंद कर दो, जाओ पेन पेपर उठा के लाओ और बढ़िया से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तब जहां पर फंसो वहां पर वीडियो चला लो, फिर अगर लगता है कि हाँ मैं कर जाऊंगा तो वीडियो को फिर पुश कर दो। एक आपको कहानी मैं सुनाता हूँ, एक मेरे गुरु थे, मतलब जब हम लोग क्लास लगभग 9th में पढ़ रहे थे, 9th में उन्होंने हमें एक पत्रिका ला कर दी, जैसे आप मैगजीन बोलते हो, मैगजीन थी कुछ 15 से 20 पेज की रही होगी, बहुत छोटे छोटे अक्षर में, इतना पता नहीं क्या क्या लिखा गया था उसमें। उसमें पूछा गया था एक बार, तो पहले उन्होंने पूछा हमसे कि समुद्र को मीजर, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मीजर करते हैं। अब तो मान लीजिए सभी को पता हो गया है, तो उस समय नहीं मालूम था, हम लोग छोटे थे, अब मालूम नहीं था तो भाई क्या करें, उस समय हमारे लोगों के समय में जब हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे तो मोबाइल वगैरह भी नहीं होती थी, अब तो मान लीजिए क्लास 6 से बच्चों को मिल जा रहे हैं, LKG में बैठे हैं फिर भी चला रहे हैं, वो बात अलग है। तो ढूंढे कहाँ से, गूगल वगैरह भी नहीं था अपने पास, तो हालांकि चलती थी बट अपने पास उस समय नहीं था 9th में, ढूंढे कहाँ से, बच्चे परेशान और हम लोग भी परेशान, मतलब साथ में सब लोग परेशान थे, ढूंढे तो एक दो दिन कई लोगों से पूछा नहीं मिला, फिर एक दिन उन्होंने वो मैगजीन ला कर दी कि बेटा इसमें ये आंसर दिया गया है, तुम ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो और तुम्हें मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ। 5 दिन का टाइम दे दिए, वो 15-20 पेज की मैगजीन थी, एक पेज में हमें हमारे हिसाब से 80 से 100 क्वेश्चन लिखे गए होंगे, इतना पतला पतला छोटा छोटा क्वेश्चन लिखा गया था। अब हम लोग परेशान, का ढूंढे कहाँ से, उस 5 दिनों में ढूंढ डाले पूरी मैगजीन, लेकिन दिमाग में वही था कि किससे मेजर किया जाएगा। अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन था, हमारे लोग नहीं मिला कहीं पर क्वेश्चन, अब उनको तो मालूम था, वो तो पढ़े थे कि हाँ एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन है वहाँ पर और इस पेज पर, अब ढूंढते रहे नहीं मिला। 5 दिन के बाद जब हमने उनको मैगजीन ले जाकर दिया तो उन्होंने कहा मिला, भाई नहीं मिला इतने दिन से ढूंढे, तब उन्होंने उसका आंसर बताया कि एग्जैक्टली उसका आंसर होता क्या है, आज तक नहीं भूला, बहुत सारे क्वेश्चन याद हुए भूल गए लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भूला, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपने स्ट्रगल किया एग्जैक्टली। अब वैसे तो क्लास में टीचर खड़ा होकर पता नहीं कितने क्वेश्चन बता देता है, पता नहीं कितने आप सुन लेते हो, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल देते हो, अभी नहीं निकालोगे तो कल परसों नरसों तक निकाल ही दोगे, बट उस समय का वो बात, मतलब क्लास 9th में जब मैं पढ़ता था और आज तक याद है, इतने दिनों की बात, और लगभग लगभग भूलेगा भी नहीं क्योंकि उस पर हमने स्ट्रगल किया। तो आप भी अगर इस क्वेश्चन पर स्ट्रगल किए रहोगे ना, पेपर में क्वेश्चन आते ही आप सॉल्व कर जाओगे, रिवीजन करो या ना करो, अगर खूब बढ़िया से मेहनत से स्ट्रगल की हो इस क्वेश्चन पर ना, याद हो जाएगा क्वेश्चन ही, ये नहीं एक टर्म याद होगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप जबानी बता सकते हो हाँ ये इतना 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 होगा, इसका प्रूफ हमें इतना करना पड़ेगा। स्ट्रगल करना जरूरी है, जितना हीरा घिसा जाता है ना उतनी ही चमक आती है, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, तो आप भी जितना सॉल्व करोगे ना उतना ही आपकी स्पीड बनेगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली। मैं इधर कितनी भी तेज सॉल्व कर दूं, कितने भी आसान तरीके से बता दूं, नहीं समझ में आएगा, अभी के लिए आ जाएगा मैं क्योंकि बता रहा हूं, बाद में खुद लगाने बैठोगे तो नहीं लगा पाओगे, इसलिए खुद से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया गया है। यहां पर देखो सेकेंड डेरिवेटिव दिखाया जा रहा है कि डी टू पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर हमें प्रूव करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपको लाना है, पहली चीज सेकेंड डेरिवेटिव लाना है, तो हम एक बार पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या मिलेगा, 2p dp अपान
डी थीटा इज इक्वल टू, यहां पर देखो ए स्क्वायर कॉमन है हमारा बिकॉज दैट्स कॉन्स्टेंट, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बोलो सब लोग, टू कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, प्लस का बी स्क्वायर यहां पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे क्या मिलता है हमें कॉस थीटा, दैट योर कॉस थीटा। और आगे लिखते हैं इसको, ये मिलेगा टू पी डी पी अपान डी थीटा दैट्स योर ए स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस आगे आ जाएगा साइन टू थीटा, प्लस का बी स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा। अब ये कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो, टू पी डी पी अपान डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन टू थीटा कॉमन निकालेगी क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन में टू थीटा मिल जाएगा। हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब ये फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग वी गेट, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग वी गेट फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर, जैसे ही फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा टू तो हमारा बाहर ही रह जाएगा, यहां पर दो फंक्शन बन रहे हैं एक पी एक डी पी अपान डी थीटा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर, प्लस का सेकेंड फंक्शन डी पी अपान डी थीटा इंटू में फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन पी का करोगे फिर से डी पी अपान डी थीटा मिल जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, साइन टू थीटा का होता है कॉस टू थीटा इंटू में टू थीटा करोगे तो टू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टू से टू यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें पी इंटू में डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस में डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर बिकॉज इतना मल्टीप्लीकेशन है तो होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, कुछ मिल रहा है यहाँ पर डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर, हाँ बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी क्यूब होना चाहिए यार, पी क्यूब होना चाहिए इसमें बता रहा है, तो पी क्यूब आने के लिए आप क्या करोगे, पी क्यूब लाने के लिए आप क्या कर सकते हो पी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करा दो, जैसे ही पी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये टर्म पी क्यूब हो जाएगा, और जैसे ये टर्म पी क्यूब होगा तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जैक्टली, ठीक। मल्टीप्लाई विथ पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में पी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करा दो, जैसे ही पी स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये क्या मिलेगा पी क्यूब डी टू पी अपान में डी थीटा स्क्वायर प्लस का, इसको अगर मैं उस साइड भेज देता तो ये क्या हो जाता हमारा पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा पी स्क्वायर डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, हो सकता है यस आर नो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ठीक। आगे चलो सॉल्व करते हैं, बट यहां से देख पा रहे हैं ये आ नहीं रहा है और आगे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, पी पावर फोर दोनों पक्षों में ऐड कर दो, इसीलिए मैंने कहा आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए, एडिंग पी फोर ऑन बोथ साइड, फिर वहां से आपका निकल आएगा, पी पावर फोर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा पी की पावर फोर प्लस पी क्यू, कई बच्चे पूछेंगे कि पी पावर फोर क्यों ऐड किया, अभी आपको पता चल जाएगा डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, p की पावर 4 ऐड करोगे प्लस का p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस का p स्क्वायर dp अपान d थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इसको और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं p की पावर 4 प्लस का p क्यूब d2p अपान d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में कॉस टू थीटा माइनस में पी स्क्वायर, यहाँ पर देखो डी पी अपान डी थीटा की वैल्यू, बोलो डी पी अपान डी थीटा की वैल्यू कहीं पर मिल रही है डी पी अपान डी थीटा, अरे यहाँ पर मिल रहा होगा ना पी डी पी अपान डी थीटा की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक। अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ पी डी पी अपान डी थीटा एग्जैक्टली ये क्या निकल के आएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम इसको पी स्क्वायर डी पी अपान डी थीटा को क्या लिख सकते थे, ऐसा कुछ लिख सकते थे पी डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं भाई।
तो अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, पी डी पी अपान डी थीटा की वैल्यू ये है, उसका होल स्क्वायर है, मतलब 1 बाई टू का होल स्क्वायर 1/4, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर हम थोड़ा सा यहीं पर और कस्टमाइज कर दें तो साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। चलो लिख ही देते, नहीं तो काफी स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। पी पावर 4 प्लस का पी क्यूब डी 2 पी अपान में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी पावर 4 प्लस, इससे मल्टीप्लीकेशन करा दो एक बार, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1/4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन 2 थीटा का बताओ फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब ये होल स्क्वायर है ये बचेगा 4 और 4 और 4 से होगा कट। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा मिल सकता है, पी पावर 4 प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1/4 इंटू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा, पी की पावर 4 प्लस का पी क्यूब डी 2 पी अपान डी थीटा का डी थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होगा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 है, पी की पावर 4 को आप लिख सकते हो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलो अब मल्टीप्लीकेशन कराया जाए, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, हम लोग हटाते हैं सिर्फ ये लाइन बची रहेगी, इसी में हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट मल्टीप्लीकेशन है आपको समझ में आएगा, एक बार लिखेंगे फटाफट से, हम लोग इस वैल्यू को हटाएंगे। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन नाउ, अगर हम इसको सॉल्व करें और यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, पी पावर 4 प्लस का पी क्यूब डी 2 पी अपान में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का पी स्क्वायर मिल गया तो मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आराम से। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में, तीनों साथ करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ, ये देखना ध्यान से, इतना तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करा के लिख दो, इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आसानी हो जाएगी, माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने लिख रहा था ना, यहाँ पर आता कैसे, तो थोड़ा सा अब आ जाएगा। ठीक, अब चलो डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं फटाफट से, इसको हटा दें, हम लोग अब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, इधर देखना ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मतलब एक पावर 4 कॉस 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर बी 4 साइन 4 थीटा प्लस का 2ab स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये आगे आ जाएगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा। अरे यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक प्लस का। अब मल्टीप्लीकेशन कराओ, अब इसीलिए तो हमने करा दिया था ताकि आपको आसानी हो जाए। एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन सभी में करा दो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन कराने इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास पावर फोर थीटा। इसमें कराओगे ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, याद कर लो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए पावर फोर कास पावर फोर थीटा। इसमें कराओगे माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा। इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा जा रहा है बट आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ही करना है तो उसमें चिंता मत करिएगा, ए की पावर फोर ना, काफ़ी बच्चे उबने लगते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और जो उब जाता है ना बीच में, मैं सही बता रहा हूँ, वही आगे नहीं बढ़ पाता, आप लोगों को आगे बढ़ना है। एंड आप बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लीकेशन कराओ प्लस में, आगे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से इसमें मल्टीप्लाई कराओ क्या हो जाएगा, बी पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। उसमें कराओ माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा, ठीक। एक बार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से इसमें कराओ माइनस का बी पावर फोर साइन पावर फोर थीटा, फिर से इसमें कराओ प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा। अब देखो ये बचा माइनस का, माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा। जितने भी वैल्यू कट रहे हैं सबको काट पीट दो। आओ देखते हैं ए पावर फोर कास पावर फोर थीटा कहीं पर है, बिल्कुल है, दिस इज घटता है कटता नहीं, मैं दिखाने के लिए काट रहा हूँ। बिग पावर फोर साइन पावर फोर थीटा, बिग पावर फोर साइन पावर फोर थीटा, ये कट गया। टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहीं मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कहीं पर मिलेगा, हाँ टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ के दो होते हैं और इससे कट जाते हैं, ठीक। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा कहीं पर मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा नहीं है, नहीं है, अरे भाई है ही नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा नहीं है, और एक पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए की पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, नहीं है, ठीक। और आगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बाकी और कुछ नहीं कटने वाला है इधर, सब कुछ जितना बचा है आप उसको एज इट इज लिख लोगे। मिला है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा, एक पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए की पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में बी की पावर फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा, ये भी तो मिल रहा है ना, इसको भी लिख लेते हैं प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर फोर थीटा इंटू में प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर फोर थीटा, माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। एक पॉइंट देखो ध्यान से मिस हो रहा है थोड़ा सा इसमें, और कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है, हमने देखा था पी की वैल्यू क्या आई थी, पी डी पी अपान डी थीटा दैट योर वन अपान फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन टू थीटा, यही वैल्यू हमें मिल रही थी, ठीक, साइन टू थीटा। अब जब हमने यहाँ पर सॉरी वन बाई फोर था, वन बाई टू था, क्या था, वन बाई टू था, अगर मैंने यहाँ पर पी स्क्वायर डी पी अपान डी थीटा लिखा, मतलब इसका भी होल स्क्वायर किया, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पी डी पी अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, यही तो हमें वैल्यू वहाँ पर रखनी थी, इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई फोर इंटू में बी स्क्वायर साइन टू थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन टू थीटा का होल स्क्वायर, ये भी तो था, हमने वहीं पर डायरेक्ट कर दिया था, वहीं से गलती होती चली आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने इसका होल स्क्वायर नहीं करा था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं करा था,
वो चीजें गलती हो रही हैं, ठीक, बाकी सब कुछ सही है। ये साइन टू थीटा जो था मैंने इतना ऐसे किया था, मैंने जो किया था वो कैसे किया था वो समझ लो, 1/4 कर दिया था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहने दिया था, साइन टू थीटा का होल स्क्वायर कर दिया था, साइन स्क्वायर टू थीटा को याद हो तो मैंने क्या किया, 1/4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर टू थीटा क्या लिख देंगे, साइन टू थीटा का होता है 2 sin θ इंटू में cos थीटा, जब इसका होल स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, हमने ऐसा किया था, बट इसका भी तो होल स्क्वायर होगा, वो मैं भूल जा रहा था, वही चीज़ें मैंने भूल गया था, ठीक, और बाद में चल के दिक्कत आ गई ना। अब इसका अगर होल स्क्वायर करूं तो फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी होगा ना, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली ये टर्म वहां पर होना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, तो ये टर्म आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वहां पर ऐड कर लीजिएगा, आपके लिए इतना काम मैं दे रहा हूं, वहां पर थोड़ा सा बस मिस्टेक कर दिया, आपको ये टर्म लिखना चाहिए था, इतने के बाद जहाँ पर ये मैंने लाया था इतने के बाद वो होल स्क्वायर लगाना भूल गया था, होल स्क्वायर लगा के आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जब इसको लिखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा प्लस ए की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ। और वहां पर जब मैं टर्म लिख रहा था तो वो माइनस का 1/4 था ना, माइनस का 1/4 था, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ था, ये टर्म माइनस में चल रहा था, आप अगर देखेंगे वो सीरीज उठा के तो वो माइनस में टर्म था, तो ये सो टोटल चीजें माइनस में थी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये माइनस b पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा माइनस का ए पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ एग्जैक्टली, ठीक, इतना नोट डाउन कर लो, ये चीज़ें फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, अब सॉल्व करेंगे तो लास्ट का जो टर्म है वो चीज़ें आपके पास रह जाएंगी, क्या यहाँ तक आया था और कहाँ पे मैंने छोड़ा था, ये चीज़ें ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी इसके स्थान पे, ठीक, माइनस का b की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा माइनस का a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा, अब देखो कुछ कट रहा है और कुछ और कट रहा है, बी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, एक पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज कैंसिल आउट, ठीक, तो फाइनली ये चीजें हमारी नहीं बचेंगी, बचेगा क्या, अब देखते हैं आगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा हमारा मिल जाएगा, और कुछ बचा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, तो वो चीजें लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर निकालूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास पावर 4 थीटा क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कास स्क्वायर थीटा, किसी का फार्मूला मिल रहा है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला है और इसकी वैल्यू होती है 1, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज योर पी की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर, इसलिए हमने पी की पावर 4 ऐड किया था, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, हमें इतना प्रूव करना था अपान पी क्यूब होना चाहिए, पी क्यूब से भाग कर दो, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विथ पी क्यूब, पी क्यूब से दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये पी बच जाएगा,
ये वन हो जाएगा, तो डी टू पी अपान डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका पी की पी क्यूब से बात करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में पी क्यूब, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? कुछ एक्स्ट्रा नहीं था इसमें, बस ये था कि वहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप एक बार पी क्यूब से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे और पी फोर को ऐड करेंगे, बाद में आकर पी क्यूब से डिवाइड कर देंगे, बस वही करना और कुछ नहीं करना। काफी बच्चे सोच रहे हैं पी क्यूब से मल्टीप्लीकेशन ही क्यों कराए, डिवाइड नहीं कराना पड़ता, तो आता ही नहीं आपका आंसर ही, तो नहीं लगा पाते। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। सो गाइज मिलते हैं nth डिफरेंशिएशन, nth सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के साथ। टिल देन आप लोग बड़ी सप्लाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।